गाइस गुड मॉर्निंग। आंखों का हालत मेरा कुछ इस तरह से हो गया है, लग रहा है चश्मा पहने रखना पड़ेगा। तो आंखों का हालत कुछ इस तरह से हो गया है, देखिए काजल लगा के नीचे तो ऐसे लग रहे जैसे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है। काजल लगा लगा के हालत ख़राब और आँख सूज भी गए हैं, लेकिन आँखों का जलन ख़त्म नहीं हुआ है। भैया बाहर गए हैं, मैंने उनको बोला है आई ड्रॉप वगैरह लेके आने के लिए। मैं जो आई ड्रॉप यूज़ करती हूँ वो, तो देखते हैं आई ड्रॉप डालने के बाद ठीक होता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने ये पास्ता खाया था। पास्ता काफ़ी टेस्टी था, लेकिन थोड़ा सा तीखा ज़्यादा हो गया था तो मैं नहीं खा पा रही थी। अदरवाइज पास्ता बहुत ही अच्छा था, मैंने खा लिया था। देखिए मिर्ची थोड़े से ज़्यादा डल गए हैं तो थोड़ा सा तीखा लग रहा था। फिर दोपहर के टाइम पे भैया फिश लेके आए थे हमारे लिए भी, और उनको अपने फ्रेंड को भी बना के देना था इसलिए भी। तो इसलिए भैया ने मुझे मसाला रेडी करके रखने बोला था, मैंने मसाला रेडी कर दिया था। या यहाँ पे भैया खाना बना रहे हैं, तो ये सब भैया बना रहे हैं, देखिए आके। तो फिर बाहर आके मैं देखी तो आज थोड़ा थोड़ा सा धूप निकला था, बाकी नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो रखा था। इधर हमारा खाना बन के रेडी हो गया है, हमने लंच कर लिया। फिर लंच करने के बाद शाम के टाइम हमने चाय पिया था, मैंने थोड़ा सा चाय पिया था। चाय मैं इतना पीती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सर्दी जुकाम लग गया तो मैंने चाय पिया। साथ में ये मूवी देख रहे थे, कमेंट में बताना कौन सी मूवी है। तो उसके बाद शाम के टाइम पर मन कर रहा था कुछ आलू चॉप वगैरह खाने का, उसका तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। बाकी जो मिक्स करना था वो सब करने के बाद मैंने वो जगह थोड़ा साफ कर दिया था, जो गिर गए थे कुछ बेसन वगैरह कुछ गिर गए थे वो सब। उसके बाद धनिया पत्ता और मिर्ची सब निकाल के मैं उसको छोटे छोटे कैंची से काट के मिक्स कर दी बैटर के साथ। देखिए उसको मैं साफ कर रही हूँ धनिया पत्ता को। आगे देखिए इस बीच में मुझे प्यास लग गया था, मैंने पहले पानी पी लिया। ये मेरी गोभी काट के मैंने गर्म पानी में डाल दिए थे और मेरे पकौड़े तलने स्टार्ट कर दिए गोभी के। ये देखिए गोभी के पकौड़े सारे। तो गोभी के पकौड़े निकाल के पहले मैं हमारे लिए ले ली और भैया के लिए निकाल दी। तो ये देखिए पकौड़े हमारे गोभी के बन गए हैं। तो हमने खाया, काफी टेस्टी बना था, थोड़ा सा बस नमक कम हो गया था, अदरवाइज बहुत अच्छा था। इधर फॉक से मैंने जो उबले हुए आलू थे उसका चटनी बना दिया, मैश कर दिया। देखिए उसको मैं अभी आलू के कटलेट बनाऊंगी। ये देखिए
आलू चॉप जैसा तो नहीं था, आलू के कटलेट ही बने थे। एक्चुअली आलू चॉप ही बनाना था लेकिन आलू कटलेट बना दिए, लेकिन जैसा भी था टेस्टी था, अच्छा लग रहा था। फिर हम नीचे गए उतर के, हमें लॉन्ड्री से हमारे कपड़े लेके आने थे, साफ़ करने के लिए दिए थे। ये थर्ड फोर्थ फ्लोर से ऊपर नीचे हो के काफ़ी पैर हाथ दुख जाते हैं, लेकिन क्या करें, अभी लिफ्ट का काम ख़त्म नहीं हुआ है तो हमें सीढ़ी से उतरने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो हम लोग निकल गए लॉन्ड्री से कपड़े लाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे कुछ लेना था हमें। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चूड़ी मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिल रहे हैं। निकल के हम लोग लॉन्ड्री गए, लॉन्ड्री में हमने कपड़े दे रखे थे साफ़ करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके देखे तो लॉन्ड्री में उन्होंने बोला कि साफ़ नहीं हुए हैं कल सुबह आने के लिए। तो हम वहाँ से आ गए, कपड़े तो मिले नहीं, हम ये ट्रैफिक में जाम में फंस गए। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए, भैया का एक मेडिसिन लाना था, उन्होंने बोला था मेडिसिन लाने के लिए, ये देखिए। तो उनका मेडिसिन लेके हम लोग आ गए, और लहसुन ख़त्म हो गया था घर में, तो यहाँ पे हम सब्जी की दुकान में गए थे लहसुन लाने के लिए। थोड़ा सा मार्केट दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम गए थे एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए, उसके बाद वहाँ से घर आके हमने थोड़ा रूम ठीक की, ये देखिए। और ये देखिए ये जो है आई ड्रॉप है, मैं आँख में डालती हूँ इसको, आँख में डाल के मुझे काफ़ी देर तक डालने के बाद आँख ठीक तो हो गया था, पता नहीं अब क्यों फिर से रेड हो गया है। लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा रेड है, राइट वाला तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। पता नहीं शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या तो आँख का पावर बढ़ा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आई फ्लू कुछ हुआ होगा। अभी तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तो देखते हैं कब जाके दिखाएंगे, कब जाके कि आज ही जो शायद दिखाना पड़ेगा। लेफ्ट वाला आँख बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, आँख से पानी आने लगे हैं ऐसे। बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।